नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उच्चतम न्यायालय कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस जनता दल सेकुलर गठबंधन के 15 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में आतंकी गुट बनाने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बाढ़ग्रस्त असम और बिहार में बचाव और राहत कार्य तेज। पाकिस्तान ने सभी नागरिक उड़ानों के लिए अपना वायु क्षेत्र खोला। और भारत ने जर्मनी की सोहेल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। उच्चतम न्यायालय कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस जनता दल सेकुलर गठबंधन के 15 बागी विधायकों की एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा। ये विधायक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार को उनके इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ 10 विधायकों की लंबित याचिका के साथ कांग्रेस के 5 विद्रोही विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई करने पर सहमत हुई थी। 5 विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके इस्तीफे स्वीकार न करने के खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय गए थे। न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को गठबंधन के 10 बागी विधायकों के इस्तीफे और उनकी अयोग्यता के बारे में आज तक कोई फैसला न लेने का निर्देश दिया था। इस बीच अध्यक्ष ने कल विधानसभा में घोषणा की थी कि एचडी कुमारस्वामी सरकार बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे विश्वास मत का सामना करेगी। विधानसभा की कार्यवाही कल फिर शुरू हुई। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा ने कहा है कि भाजपा राज्य में 4-5 दिन में सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकी गुट बनाने के आरोप में तमिलनाडु से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब से भेजे जाने के बाद एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया और कल चेन्नई के निकट पोनमल्ली में विशेष न्यायाधीश सेंथुर पांडियन के समक्ष पेश किया। अदालत ने इन्हें इस महीने की 25 तारीख तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। एनआईए की कार्रवाई तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों से जुड़े गुटों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। नागपट्टिनम में तलाशी के बाद और चेन्नई में कट्टरपंथी गुट अंसारुल्ला का पता लगने के बाद शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ताजा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आतंकी गुटों को समर्थन देने के लिए खाड़ी के देशों से धन जुटाने का आरोप है। मामले में आगे की जांच होने से कुछ और ब्यौरा मिलने की उम्मीद है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी रॉय और पार्टी के निलंबित नेता कुणाल घोष सहित 6 लोगों को शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। निदेशालय ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि शारदा घोटाले के मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन ने निकट सहयोगी अरिंदम दास, 2 व्यापारी और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के एक अधिकारी को भी सम्मन भेजा गया है। उन्हें 10 दिन के अंदर पेश होने को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और जल्द अभियोजन चलाने के लिए बच्चों पर यौन शोषण से संबंधित आंकड़े जुटाने के बारे में 10 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया था और कहा था कि वो इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का आदेश पारित करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने कल इस मुद्दे से निपटने के लिए किए जाने वाले संभावित उपायों पर विचार विमर्श किया और प्रत्येक जिले में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या के बारे में रिपोर्ट देने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने दिमागी बुखार पर नियंत्रण के लिए तत्काल उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा और सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने को भी कहा गया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय तथा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस जारी किया। याचिका में दिमागी बुखार से ग्रस्त सभी बच्चों के शीघ्र निःशुल्क उपचार की भी मांग की गई। मानवाधिकार आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को कुछ घंटे पूर्व अपहरण के मामले में गिरफ्तार किए गए जनता दल यूनाइटेड के नेता की मृत्यु के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने नालंदा पुलिस द्वारा अपहरण के आरोप में गिरफ्तार जनता दल यूनाइटेड नेता गणेश रविराज की पुलिस हिरासत में
बृहस्पतिवार की रात को फांसी लगाने की मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग की खबरों के अनुसार समीक्षा करेगा। अगर ये सत्य है तो ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले में 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 33 जिलों में से 30 जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे लगभग 43 लाख लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत के बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 90% हिस्सा जलमग्न हो गया है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नलबाड़ी और बारपेटा जिले का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज ऊपरी असम क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और गुवाहाटी में मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले कई दिन से पूर्वोत्तर के कई राज्य बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि, मछली पालन क्षेत्र, सड़क पुल, वन्यजीव, शैक्षिक संस्थान और आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचा है। नलबाड़ी जिला प्रशासन ने बीते रात सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। विस्थापितों के लिए विभिन्न जिलों में राहत शिविर लगाए गए हैं और खाने पीने के सामान बांट रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के साथ सेना को भी राहत और बचाव कार्यों में लगाए गए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार। उधर बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। राज्य के 12 जिलों में 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बागमती, कमला बलान और महानंदा सहित कई नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 196 राहत शिविर और 644 सामुदायिक रसोई घर खोले गए हैं। 1 लाख से अधिक लोग शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और अररिया में अररिया गलगलिया खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 ई कई स्थानों पर टूट गया है, जिससे आवाजाही बाधित है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। असम और बिहार सहित देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 119 टीम लगाई गई हैं। इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए दिल्ली में 7 दिन 24 घंटे काम करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय आपदा बल के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा कि NDRF टीमें राहत और बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए लगाई गई हैं। असम और बिहार में ज्यादा टीमें दी गई हैं NDRF की। बिहार में 19 टीमें हैं डिप्लॉयड और 2 टीम स्टैंडबाई में है, और असम में 14 टीमें NDRF की हैं और 4 टीमें स्टैंडबाई में हैं। दोनों ही राज्यों में लगभग 7-7 जिलों में बाढ़ का कहर ज्यादा माना गया है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं लगभग दोनों राज्य मिला के 6,000 से 7,000 के बीच में लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सक्षम बना रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इतने ही बेरोजगार युवा प्रशिक्षण पाने के लिए पंजीकृत किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कौशल और रोजगार मेले प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बरेली की रहने वाली मोइन फातिमा ने आकाशवाणी को बताया। मैं यहाँ सिलाई सेंटर आती हूँ, यहाँ पर हमने काफी चीजें सीखी है। फैशन डिजाइनिंग की जो कुर्ती होती है और सूट सलवार जो होती है, सीखे हैं। हापुड़ की रहने वाली सोनिया भी इस योजना के लिए सरकार को धन्यवाद करती हैं। मुझे सिलाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं पैसों की वजह से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं सीख पा रही थी। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और बहुत सारी नई नई चीजें मैंने यहाँ पे सीखी हैं। इस योजना के तहत 4300 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच बेरोजगारी खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पाकिस्तान ने आज सुबह अपने वायु क्षेत्र को सभी नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिया है। भारतीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। पाकिस्तान ने फरवरी में बालाकोट हवाई हमले के बाद से अपने वायु क्षेत्र के अधिकांश हिस्से के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने वायु कर्मियों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि पाकिस्तान का वायु क्षेत्र सभी प्रकार के नागरिक उड़ानों के लिए तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं अलका सिंह।
जर्मनी के सुहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल कूद परिसंघ जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कल भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इला वेनिल बेलारिबन ने 251.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मेहुली घोष ने 250.2 अंक के साथ रजत पदक लिया। भारत ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए टीम सेक्शन में स्वर्ण पदक भी जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक लेकर पहले स्थान पर है। उधर बैडमिंटन में पीवी सिंधु जकार्ता में आज से शुरू हो रहे इंडोनेशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारतीय अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का पहला मैच कल जापान के आया ओहोरी से होगा। किदांबी श्रीकांत, बी साई प्रणीत और एचएस प्रणय सिंगल्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जबकि अश्विनी पोनप्पा, एनसिक्की रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी डबल्स मुकाबलों में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद मुकेश। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए संशोधन विधेयक 2019 के लोकसभा से पारित होने की खबर सभी समाचार पत्रों में है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एनआईए को विदेश में भी जांच का अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान के अनुसार गृहमंत्री बोले, कानून के दुरुपयोग की कोई मंशा नहीं। वीर अर्जुन लिखता है, आतंकवाद के खात्मे के लिए होगा एनआईए कानून का उपयोग। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण को स्थगित करने की खबर पर इकोनॉमिक टाइम्स का शीर्षक है, चंद्रयान 2 की राह में तकनीकी बाधा। अमर उजाला के अनुसार संकल्प अड़िग, नई तारीख जल्द। और आज रात आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और इसे देश में भी देखा जा सकेगा, अधिकतर अखबारों ने ये खबर भी दी है। कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल सेक्युलर गठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण पर स्पीकर के हवाले से वीर अर्जुन लिखता है, कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट 18 को। देशबंधु ने हिमाचल प्रदेश में कुम्हार हट्टी के निकट 4 मंजिला इमारत ढहने की घटना में असम रेजिमेंट के 13 जवानों की मौत की खबर दी है। एम्स में निशुल्क होगी प्लास्टिक सर्जरी को राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक बनाया है। पत्र लिखता है, वर्ष के अंत तक शुरू होगा सेंटर, हाथ और फेस का ट्रांसप्लांट होगा संभव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस जनता दल सेकुलर गठबंधन के 15 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में आतंकी गुट बनाने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बाढ़ग्रस्त असम और बिहार में बचाव और राहत कार्य तेज। पाकिस्तान ने सभी नागरिक उड़ानों के लिए अपना वायु क्षेत्र खोला। और भारत ने जर्मनी की सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।